अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JDC या ITCT की कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मैं और वीडियो देखी हो, तो मैंने जो है पहले JDC ने जब कोर्सेज अनाउंस किए थे, तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लोगे स्क्रीन पर कि 10 मिनट में ये पहले की वीडियो है, ठीक है। और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था 1 महीने बाद, तो ये 9 मंथ पहले की वीडियो है, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुए थे 9 महीने पहले और बैचेज स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। क्या कहना ये था कि हम ऐसे ऐसा स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हुआ, अब 9 महीने बाद जो है थर्ड बैच में जो है वो मुझे SMS आया, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, JDC की तरफ से मैसेज आया कि ITCT फॉर थर्ड बैच, ठीक है। यानी कि 9 महीने बाद जो है वो थर्ड बैच उनका स्टार्ट हुआ कमोवेश, यानी कि एक बैच जो है वो 3 महीने का उन्होंने कमोवेश किया है, ठीक है। देख सकते हैं, और यहाँ लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाकर हम लोग आपको इनरोल करना होगा, ठीक है। तो जिसको मैसेज आया वो इनरोल कर सकता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, अब जाके जो है वो बैच 3 में नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट इनकी ओपन हो गई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर फाइंड योर रिजल्ट, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जिन लोगों का नाम नहीं आया था, तो यहाँ पर इन लोगों का नहीं शो होगा, ठीक है। जिन लोगों ने सिलेक्टेड किया होगा, उन्हीं का यहाँ पर नाम शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अपना आप NIC डाल सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे डाले जाऊँगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अगर सर्च पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फुल नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर और कोर्सेस मैंने कौन सेलेक्ट किया था, सारा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप बैच 3 है, यहाँ पे मुझे जो है एनरोल पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करता हूँ मैं, आप देखें यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं कि बस अगर आप लोगों ने कोर्स चेंज करना हो तो आप लोग जब एडमिशन हो तो वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है, आपने टाइमिंग क्या रखनी है, ऑप्शन है। तो आप देख लेते हैं, मेरे संडे 10 से 12, काफ़ी सारे यहाँ पर अपने टाइमिंग दे दी है, आप चाहे तो सिलेक्ट कर लें। मैंने यही सिलेक्ट की थी, तो मेरे ख्याल से यही बेहतर रहेगा, सुबह संडे को 10 से 12 यही सिलेक्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग है मंडे को भी, मॉर्निंग है मंडे को दोपहर में है, मंडे को ठीक है, मंडे को एक शाम में भी है, रात में भी है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है। मंडे टू टू थर्सडे जो है आपको मॉर्निंग से रात तक के भी है, वीकेंड पर जो है आप लोग सिर्फ मॉर्निंग और दोपहर ही क्लासेस है। तो आप देख लें मेरे ख्याल से हफ्ते में पता नहीं कितनी क्लासेस है, एक दिन है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा संडे में अप्लाई कर लें, 2 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है, और इसके अलावा जो जो काम करने का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं संडे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे 10 AM से लेकर 12 PM बट ईमेल, ठीक है। ईमेल मैंने डाल दी अपनी, यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरी पिक्चर भी मांगे गए, देख लेते हैं पिक्चर मांगे, ठीक है। पिक्चर अपलोड कर लेते मेरे से, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एनरोल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुल एनरोल्ड, ठीक है। यहाँ पर मतलब उसके नंबर लिखा आ गया, नेम रिक्वायरमेंट्स साथ इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट पर क्लिक करूँगा मैं, करने के बाद इसको जो है मैं अपने PDF में सेव कर लूँगा, क्योंकि ये सही से मेरा ID कार्ड हो गया है। अच्छा, आपने करना है सारा प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जो है आपने वहाँ JDC में चले जाना है, ये प्रिंट करके मुझे मैसेज आया है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो करना होगा वो आप लोगों को बैठ कर देंगे, आपने क्या करना है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद है तो पसंद ना करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।